पार्टी में तो कांग्रेस के साथ रहूंगी, कांग्रेस के साथ हूँ और कांग्रेस के ही साथ रहूंगी। तो हम तो कांग्रेस के साथ ही है, कांग्रेस के ही साथ रहेंगे जब तक खत्म प्राण हो। हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस आए हमारी, हाँ कांग्रेस आती है तो अच्छे ही दिन आएंगे, सब चीज सही होगा। जब तक कांग्रेस थी तब तक अच्छा ही था, अमीर के लिए भी गरीब के लिए भी। रही बात आप की कांग्रेस की सरकार या भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार के टाइम पे कंट्रोल में जो राशन की दुकानों में मिट्टी का तेल भी उपलब्ध होता था, चीनी उपलब्ध होती थी और सस्ते दामों पे राशन उपलब्ध होता था, लेकिन आज वो ना तो चीनी है ना मिट्टी का तेल है और महंगाई भी अपने जैसे चरम पे है। गैस सिलेंडर भी 1000 रुपए पहुंच गया है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं रही है। सब जनता जानती है, हैं ये जुमले वाली पार्टी है, लोगों का गरीबी तो इतनी कर दी है। अब कांग्रेस के टाइम में 400-450 रुपए का सिलेंडर छोड़ा गया, आज सिलेंडर 1000 रुपए का है, ठीक है। अब आज पेट्रोल पे ले लीजिए, है पेट्रोल 100 पार कर गया, और अब हम लोग ये कहते हैं पेट्रोल डीजल ये पार कर गया, लेकिन आप ये चीज भी देखिए कि एक चीज क्या है कि आज सरिया देख लीजिए क्या था, और बजरी देख लीजिए किलो के भाव बिक्री है, क्योंकि इस पार्टी ने तो लोगों का जो गरीब तबका है ना उसका बहुत बेकार हिसाब कर दिया, क्योंकि इस लायक छोड़ा ही नहीं है। हर जुमले वाली पार्टी है, हर टाइम अपना जुमला छोड़ती है कि 15-15 लाख रुपए दे देंगे, बताइए किसके खाते में आए 15 लाख। आज तक जब से भी ये बीजेपी सरकार आई है, पहली सरकारें बहुत अच्छी थी, जब से भी बीजेपी की सरकार आई है तब से जो है ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, बीजेपी से लोग तंग आ गए हैं, लोग कांग्रेस को चाहते हैं